नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर टू का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इंग्लिश मीडियम में फिजिक्स में बहुत सारे बच्चे जो है डिमांड कर रहे थे। ऐसे तो हम हिंदी मीडियम में आपको दे चुके हैं, बट इंग्लिश मीडियम में नहीं दिए थे प्यारे बच्चों। तो बहुत सारे बच्चे बोले कि हमको इंग्लिश मीडियम में भी चाहिए, तो इसलिए हमने इंग्लिश मीडियम में भी लेकर के आए हैं। वही सब क्वेश्चन है जो आपको हिंदी मीडियम में दिया गया था। ठीक, तो चलिए देखें आपको क्या क्वेश्चन मिला है। और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। लगभग सभी यूनिवर्सिटी में जिसमें जिसमें एग्जाम हुआ है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन, और कई यूनिवर्सिटी में तो 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहुंचा हुआ है। तो बस आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। और हम बार बार बोलते हैं इंपॉर्टेंट का मतलब वही होता है जिसको कि हम 3 से 4 बार देखें और बाकी क्वेश्चन को भी थोड़ा देख करके जाएं। ऐसे तो हमारा जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बिल्कुल आना ही है, तय है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, ये है ना, यूनिट फर्स्ट है। एक्सप्लेन द लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। सेकेंड है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, राइट इट्स फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। थर्ड है, व्हाट इज मीन्ट बाय ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन एंड प्रूव दैट ग्रेड फाई आर डेल फाई इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस फाई इज इक्वल कितना कॉन्स्टेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिएगा, डिफाइन कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड एंड ऑब्टेन इट्स वैल्यू इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। प्रूव दैट कर्ल ए इज इक्वल डेल क्लास एस वेयर डेल इज वेक्टर ऑपरेटर। नेक्स्ट, स्टेट एंड प्रूव गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव ग्रीन्स थ्योरम। प्रूव दैट कर्ल ग्रेट फाई इज इक्वल जीरो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखिएगा, प्रूव दैट ग्रेट फाई इंटू साई इज इक्वल फाई ग्रेट साई प्लस साई ग्रेट फाई वेयर फाई एंड साई आर फंक्शन ऑफ पोजिशन एक्स वाई जेड। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a 0 to x, इंटीग्रेशन 0 to x प्लस वाई ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड डीएक्स डीवाई डीजेड। नेक्स्ट, प्रूव दैट कर्ल ए इज इक्वल ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ए माइनस डेल स्क्वायर ए। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, यूनिट टू में आइएगा, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक क्वाड्र पोल। नेक्स्ट है, इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, व्हाट इज मीन बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन इंड ऑन पोजिशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इंड ऑन पोजिशन, डिफाइन क्वाड्रपोल एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू क्वाड्रपोल। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज टर्न्ड बाय एन एंगल थीटा इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन दिस प्रोसेस, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एट ए पॉइंट सिचुएटेड आउटसाइड फर्स्ट सेकेंड ऑन द सर्फेस थर्ड इनसाइड इट। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ऑफ फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एट ए पॉइंट आउटसाइड ऑन द सर्फेस एंड इनसाइड इट। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, यूनिट थर्ड में ये, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड ई डिस्प्लेसमेंट डी एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर पी एंड डिड्यूस रिलेशन अमंग देम। नेक्स्ट, प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द सरफेस चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द स्फेरिकल लिमिट ऑफ रेडियस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज ई पी इज इक्वल पी अपॉन 3 epsilon naught एंड डिड्यूस द क्लासियस मोसोटी इक्वेशन। क्लासियस मोसेटिव इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ करेंट एंड डिराइव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर चार्ज एंड करेंट इन अल्टरनेटिंग ईएमएफ वी इज इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड टू ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर इंडक्टेंस कैपिटल एन कैपिस्टेंस सी। फाइंड फर्स्ट करेंट इन सर्किट द सेकेंड द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी थर्ड फेज डिफरेंस बिटवीन द करेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस फोर्थ एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, व्हाट इज ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट। हाउ डज द करेंट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द बैंड विड्थ एंड द क्वांटिटी फैक्टर। हाउ डज द
शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस डिपेंड अपॉन द क्वालिटी फैक्टर ऑफ सर्किट डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज पावर इन ए कंप्लीट सर्कल इन ए अल्टरनेटिंग करेंट सर्किट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वाटलेस करेंट एक्सप्लेन द एग्जांपल व्हाट इज द पैरेलल रेजोनेंट सर्किट ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इंपीडेंस एंड करेंट मैग्निफिकेशन फॉर द सर्किट। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों यूनिट फोर में आइए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई स्पिन ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन डाइपोल मोमेंट स्टेट एंड प्रूफ एम्पियर्स लॉ डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टोर्क ऑन ए करेंट लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करेंट कैरिंग सोलेनाइड इन साइड इट। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म कैपिटल बी कैपिटल एच एंड कैपिटल एम इन ए मैग्नेटाइज मीडियम एंड एस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन देम प्रूव दैट इन मैग्नेटाइज मीडियम बी इज इक्वल म्यू नॉट कैपिटल है ना इन ब्रेकेट कैपिटल एच प्लस कैपिटल एम म्यू नॉट इज इक्वल वन प्लस काई एम प्रूव दैट द बार मैग्नेट कंसिडर्ड इक्विलेंट टू ए सोलेनाइड करेंट डिफाइन जायरो मैग्नेटिक रेशो एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों यूनिट फाइव व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल स्टेट एम्पियर लॉ एक्सप्लेन हाउ इज एम्पियर सर्किटल लॉ इन कंसिस्टेंस फॉर टाइम वेरिंग फील्ड हेंस डिड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करेंट मॉडिफाई द एम्पियर लॉ ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करेंट। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों इस्टेब्लिश द मैक्सवेल इक्वेशन डाइवर्जेंस इज इक्वल रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट R divergence D is equal rho divergence B is equal 0 divergence E is equal minus del B upon del T curl B is equal mu naught in bracket J plus JD is equal mu naught है ना इन जे प्लस डेल डी अपॉन टी यानी चेंज करके आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन एंड प्रूव इट राइट शॉर्ट नोट ऑन म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस ईडी करेंट एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों ऑब्टेन वेव इक्वेशन फॉर ई एंड बी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इलेक्ट्रिक मीडियम विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल कैलकुलेट एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड डिफाइन द पॉइंटिंग वेक्टर एंड एस्टेब्लिश एन एक्सप्रेशन फॉर इट। ठीक है प्यारे बच्चों तो बस इसी ढंग से करना है, हमने यूनिट फाइव आपको दे दिया है क्वेश्चन, बस इसी ढंग से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक तो चलिए इसको बार बार प्रैक्टिस करें प्यारे बच्चों, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।